आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए, किराड़ी के लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई का दिन है, बहुत बहुत खुशी का दिन है कि आज आपकी 15 कच्ची कॉलोनियों में नाली और गलियां बनने का काम शुरू होने जा रहा है। जैसा अभी ऋतुराज जी ने बताया, इसके पहले 14 गलियों के अंदर ये जो अपना बैनर लेके खड़े हैं, मेरा इनसे निवेदन है कि आप लोग सोमवार को सुबह 10 बजे मेरे घर पे आ जाना। आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के ऊपर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। आपकी जो भी समस्या है, तो दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये 29 कच्ची कॉलोनियों में जो जो नालियां और गलियां बनने जा रही हैं, जो जो लोग इससे खुश हैं जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। खुश हो सारे जने? पूरी दिल्ली के अंदर इस टाइम सारी कच्ची कॉलोनियों में नालियां और गलियां बनने का काम चल रहा है। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनी में नालियां गलियां सीवर और पानी, ये चारों काम हम लोग करा रहे हैं। अभी तक भाजपा और कांग्रेस कच्ची कॉलोनियों की केवल राजनीति किया करते थे। हर चुनाव के पहले आते थे, कहते थे हमको वोट दे दो, हम जीत गए तो आपकी कच्ची कॉलोनियों में विकास करेंगे। आप लोग वोट दे देते थे और अगले 5 साल फिर ये शक्ल नहीं दिखाते थे मुड़ के। पहली बार ऐसे हो रहा है, कोई सरकार आई है जो सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर काम करने जा रही है। आज जिन 15 गलियों के अंदर काम शुरू हो रहा है, इनमें 300 से ज्यादा गलियां एक साथ बननी चालू हो रही है। 300 से ज्यादा गलियां हमारे से पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं, शीला दीक्षित ने 5 गलियां अगर आपकी कॉलोनी में बनाई हो तो बता देना, 5 गलियां बनवाई हो तो। उन्होंने 15 साल में 5 गलियां नहीं बनवाई, हम 4 साल के अंदर आपकी 300 से ज्यादा गलियां और 600 से ज्यादा नालियां बनाने जा रहे हैं। दोस्त, 70 साल से दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस ने राज करा। मैं कई बार सोचता हूं, 70 साल में इन्होंने ना गलियां बनवाई, ना नालियां बनवाई, ना पानी का इंतजाम करा, ना सीवर का इंतजाम करा, और 4 साल के अंदर हम लोगों ने दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में पानी देने जा रहे हैं, बिजली देने जा रहे हैं, नालियां बनवा रहे हैं, गलियां बनवा रहे हैं, सीवर बनवा रहे हैं। हम 5 साल में इतना काम कर सकते हैं तो 70 साल में इन दोनों पार्टियों ने, बीजेपी कांग्रेस वालों ने क्या करा? इन्होंने केवल अपने घर भरने का काम करा, इन्होंने केवल अपने परिवार और रिश्तेदारों का काम करा, जनता का एक भी काम नहीं करा। 5 साल में इतने काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 5 साल पहले आपने एक ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। 24 घंटे हम आपके लिए काम करते हैं, एक पैसा खुद नहीं खाते, अफसरों को खाने नहीं देते, इसलिए इतने काम हो रहे हैं। उतने ही पैसे में, कोई हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, उतने ही पैसे में इतने काम होने लग गए जितने 70 साल में नहीं हुए थे। भाई साहब, आज यहाँ इतनी महिलाएं भी आई हुई हैं, इतने लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कौन मानता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हुलिया बदल गया पिछले 5 साल के अंदर?
70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था, 5 साल के अंदर सरकारी स्कूल फर्स्ट क्लास बना के दिखा दिए हमने। पिछले साल सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा अच्छे आए हैं। लोग अपने अपने बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं, 70 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था। पूरी दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों के अंदर आपके लिए सारी दवाइयां, सारा इलाज, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हो रहा, केवल दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सब कुछ मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी, 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा, दिल्ली सरकार के अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। जब हमारी सरकार बनी थी, सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी, आज दिल्ली में 1 रुपए यूनिट बिजली कर दी 200 यूनिट तक। पूरा देश तो क्या, पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट कहीं नहीं है। सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है। बहुत सारे काम करे, लेकिन दोस्तों पिछले 4 साल के अंदर आप लोग देख रहे हो किस तरह से मोदी सरकार ने, किस तरह से केंद्र सरकार ने, किस तरह से बीजेपी वालों ने हमारे हर काम में टांग अड़ाने की कोशिश करी। हम जो काम करते हैं उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं। आपकी ये जो 29 गलियों में गली नाली बनने का काम है, ये 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी गलियां बनवाने की। 3 साल से मोदी सरकार ने ये फाइल मंगा ली, मोदी जी इन फाइलों के ऊपर लेके बैठे थे, 3 साल से लड़ लड़के इनसे आपकी गलियां और नालियां पास करा के लाया हूं दोस्तों। अगले हफ्ते से आपके सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे, दिल्ली की सारी गलियों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? 3 साल से मोदी सरकार सीसीटीवी कैमरों की फाइलों पे बैठी है, 3 साल से इन्होंने हमको कैमरे नहीं लगाने दिए, आखिरकार इनसे लड़ लड़के मैं फाइल क्लियर करा के लाया हूं दोस्तों। हम स्कूल बनाना चाहते हैं, ये स्कूल नहीं बनाने देते। हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये अस्पताल नहीं बनाने देते। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, ये सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने देते। आपने अखबारों में पढ़ा होगा मनीष सिसोदिया जी को एलजी के घर में जाके 10 दिन का अनशन करना पड़ा था। मनीष सिसोदिया 10 दिन भूखे रहा था, सतिंदर जैन 10 दिन भूखे रहा था, अपने लिए नहीं रहा था, आपकी फाइलें क्लियर कराने गया था, आपकी गलियां नालियों की फाइलें करवाने गए थे, आपकी सीसीटीवी की फाइलें क्लियर कराने गए थे दोस्तों। पिछली बार आपने 70 में से 67 सीट दी, हमारे हाथ मजबूत करे, लेकिन आपने एक गलती कर दी, ये 7ों एमपी आपने भाजपा के जिता दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल में उदित राज ने एक काम कराओ तो बता दो। किसी के बच्चे का एडमिशन कराया हो, किसी का अस्पताल में इलाज कराया हो, किसी की गली बनवाई हो, किसी की पेंशन लगवाई हो, एक ही काम करा इन्होंने। हमारे हर काम में टांग अड़ाई है इन्होंने, हर काम में टांग अड़ाई है। इस बार ये गलती मत कर देना भाई साहब। इस बार 7ों के 7ों सांसद आम आदमी पार्टी के जिता दो। इस बार यहां से गुग्गन सिंह को जिता दो। अगली बार आपके जितने काम 4 साल में हुए हैं, 1 साल के अंदर काम करके दिखा दूंगा। फिर हमको इनसे लड़ना नहीं पड़ेगा। अभी हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। बताओ, एक गली नालियों की फाइल क्लियर कराने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 10 दिन भूखे रहना पड़े, ये तो शर्म की बात है। सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिल्ली के मंत्री सतिंदर जैन को 10 दिन का अनशन करना पड़े, ये तो शर्म की बात है दोस्तों। ऐसी केंद्र सरकार से क्या फायदा? हमने तो उनको चुन के भेजा था,
दिल्ली का कुछ भला करेंगे। उन्होंने तो दिल्ली वालों पे जुर्म करने के सिवा कुछ नहीं करा 5 साल के अंदर। इस बार इनको सबक सिखाना जब आप वोट डालने के लिए जाओगे। जिन लोगों ने आपके सीसीटीवी कैमरे रोके उनको माफ मत करना, जिन्होंने आपकी गलियों और नालियों की फाइलें रोकी उनको माफ मत करना, जिन लोगों ने आपके स्कूल नहीं बनने दिए, अस्पताल नहीं बनने दिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए। इस बार चुनाव में जाओ बटन दबाओ तो याद रखना कि इन लोगों ने दिल्ली के साथ कैसे बदला लिया था। इस बार जब बटन दबाओ तो उनसे बदला लेना है दोस्तों। और अब इन्होंने और शर्मनाक हरकत करी है। बीजेपी वालों को यह डर लग रहा है कि इस बार वो चुनाव हारेंगे। उन्होंने भाई साहब दिल्ली में 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए, 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए इन्होंने दिल्ली में। अभी तेलंगाना के चुनाव हुए थे, आपने अखबारों में पढ़ा होगा तेलंगाना में इन्होंने 22 लाख लोगों के वोट कटवाए थे, 22 लाख। फिर चुनाव आयोग ने माफी मांगी थी। दिल्ली में इन्होंने 30 लाख लोगों के वोट कटवा दिए, 15 लाख पूर्वांचलियों के, 8 लाख मुसलमानों के, 4 लाख बनियों के और 3 लाख दूसरी जात वालों के वोट कटवा दिए। यहां यूपी बिहार से कौन कौन है हाथ खड़े करना जरा, सारे ही हैं। आपके 15 लाख यूपी बिहार के लोगों के वोट कटवा दिए बीजेपी कांग्रेस वालों ने। बीजेपी वाले कहते हैं ये यूपी बिहार वाले दिल्ली गंदी करते हैं, कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली गंदी करते हैं। बीजेपी वालों को यूपी बिहार के लोगों से नफरत है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा बंबई के अंदर कैसे शिवसेना और बीजेपी वाले यूपी और बिहार के लोगों को मार मार के बंबई से बाहर भगाते हैं। अभी कुछ महीने पहले गुजरात के अंदर यूपी और बिहार के लोगों में पूर्वांचलिया के लोगों पे हमला करके उनको गुजरात से भगाया गया। अब दिल्ली में भी इन्होंने ये हरकत शुरू कर दी। संगम विहार, तुगलकाबाद, पटपड़गंज, इन इलाकों के अंदर बीजेपी वालों ने पूर्वांचलियों पे हमले करने चालू कर दिए। मैंने अपने आम आदमी पार्टी वालों को कहा है कि अगर किसी के ऊपर हमला हो अपनी जान लगा देना, किसी पूर्वांचलियों के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, उनको उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अब ये बीजेपी वालों ने नई चाल चली है, 15 लाख वोट कटवा दिए, चुनाव के बाद कहेंगे तुम तो नागरिक ही नहीं हो, दिल्ली से जाओ। लेकिन आप चिंता मत करना, ये 30 लाख वोट जो कटवाए हैं, मैं अब चुनाव आयोग से लड़ लड़ के इनकी सारी लिस्टें ले आया हूं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं सारे लोगों से। जितने लोगों के वोट कटे हैं चुनाव के पहले मैं सबके वोट बनवा दूंगा, एक एक आदमी का वोट बनवा दूंगा। चिंता मत करना, एक एक आदमी का वोट बनवा दूंगा। लेकिन यूं ना कर देना वोट तो बनवाए, केजरीवाल डालो मोदी को, धोखा मत दे देना। एक और बात याद रखना, किस किस को लगता है कि मोदी और अमित शाह इन दोनों ने मिलकर पिछले 5 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन दोनों को हराना है नहीं हराना, जो जो लोग इन दोनों को हराना चाहते हैं हाथ खड़े कर दे, दोनों हाथ खड़े कर दे। कैसे हराएंगे इन लोगों को? वोट बटने मत देना, वोट बटने मत देना। इस बार याद रखना, इन दोनों ने मिलके मोदी और अमित शाह ने नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दिया, सीलिंग कर दी, इतने धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई और पूरे देश के अंदर इन्होंने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जहर घोल दिया लोगों के अंदर। दोस्तों अगर ये दोबारा आ गए ये देश नीचे
छोड़ने वाले संविधान बदल देंगे। 1931 में हिटलर ने करा था, 1931 में हिटलर जर्मनी का प्रेसिडेंट बना, उसने 3 महीने में आने के बाद संविधान बदल दिया, चुनाव खत्म कर दिए और जब तक वो मरा नहीं तब तक वो राष्ट्रपति रहा। 2019 में अगर मोदी और अमित शाह दोनों दोबारा आ गए, ये संविधान नहीं छोड़ने वाले, संविधान बदल देंगे और कोई चुनाव नहीं होंगे इसके बाद। इस बार इन दोनों को हराना बहुत जरूरी है। कैसे हराएंगे? अपने वोट मत बटने देना, ऐसा ना हो कि 4 आदमी कांग्रेस को डालाए, 4 आदमी आम आदमी पार्टी को डालाए, बीजेपी जीत जाएगी। वेस्ट बंगाल के अंदर केवल ममता बनर्जी बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। तमिलनाडु के अंदर केवल डीएमके बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। ऐसे ही दिल्ली के अंदर केवल आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती। अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है। आज अच्छे से समझ के जाना, पिछली बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 46% वोट आए थे। कितने आए थे? 46%। आम आदमी पार्टी के 33% वोट आए थे, कांग्रेस के 15% वोट आए थे। इस बार सारे जने कह रहे हैं बीजेपी के 10% वोट कम होंगे, कितने रह जाएंगे बीजेपी के? 36%। बीजेपी के 36, हमारे 33, कांग्रेस के 15। अब ये 10% अगर कांग्रेस को चले गए तो कांग्रेस के 15 से 25 हो जाएंगे। कौन जीतेगा? बीजेपी जीत जाएगी उनके 36%, 7 सीट बीजेपी की आ जाएगी। और अगर ये 10% वोट हमारे पास आ गए, हमारे 43% वोट हो जाएंगे, 7 सीट हमारी आ जाएगी। तो अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। जो जो लोग दिल्ली में बीजेपी को हराना चाहते हैं, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, आम आदमी पार्टी को वोट देना, 7 सीटें आम आदमी पार्टी की आएगी, दिल्ली का विकास होएगा, हमारे हाथ मजबूत होएंगे और दिल्ली के 7 सांसद और दिल्ली सरकार मिलकर आप लोगों के लिए काम करेंगे। भारत